नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद खास है। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे कि जिसे हम घास फूस समझते हैं ये तो एक सबसे बड़ी आयुर्वेद की औषधि है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की एक चमत्कारिक जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज हम एक जड़ी बूटी पटुआ की पहचान करेंगे और इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। यह वर्षा ऋतु में लगभग सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है और एक खपतवार के रूप में पाया जाता है। इसके पत्र 5 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसे पीले रंग के पुष्प लगते हैं और 2 से 2.5 इंच लंबी फली लगती है। इसे सूक्ष्म त्रिकोण आकार वाले काले रंग के अनेक बीज होते हैं। इसका पुष्प काल एवं फल काल लगभग जुलाई से नवंबर तक होता है। इसका संस्कृत नाम पटसाक है, जबकि हिंदी में पटुआ, पटवा, पाट और पटुए का साक कहा जाता है। गुजराती में इसको मोटी छूस कहते हैं और इसका तेलुगु नाम परिटा है। उड़िया में चोटो, मराठी में मोटी चोंचे और तमिल में पेरांटी कहते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम इंडियन जूट और नाल्टा जूट है। इसका वैज्ञानिक नाम कॉन्कोरस ओलिटोरियस है। दोस्तों, पटुआ का पौधा शीतल प्रकृति का होता है। यह मधुर, शीत, पिच्छल और कफपित्त शामक होता है। दोस्तों, इसका साग बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से इसका साग बनाकर खाया जाता है। यह शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को दूर करता है। इसके साग का नित्य सेवन करने से शरीर में बढ़ा हुआ पित्त का शमन होता है और कफ निकल जाता है। यह पौधा ज्वर में भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसके पंचांग को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से और इसका साग बनाकर खाने से ज्वर छूट जाता है। इसके अलावा इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर सेवन करने से पेट की कृमि नष्ट होती है। इसकी पत्तियों का रोजाना साग बनाकर खाने से रक्तपित्त का शमन होता है और कृमि नष्ट होती है तथा कुष्ठ रोग में बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों, इसके बीजों को 7 से 10 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से पेट साफ हो जाता है। दोस्तों, इसके ताजे पत्रों का रस निकालकर पीने से या इसके पत्रों का काढ़ा बनाकर सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है और पेशाब संबंधी कई बीमारियां दूर होती है। इसके काढ़े का रोजाना सेवन करने से शरीर में कमजोरी मिटती है, बल बढ़ता है और ज्वर छूट जाता है। यह पेट के कई रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके पत्रों का क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिली की मात्रा में रोजाना पीने से आमाशय मजबूत बनता है। इसका रोजाना सेवन करने से कुछ ही दिनों में अर्श मिट जाता है। इसके अलावा अगर आमाशय में कोई व्रण हो जाता है तो इसका क्वाथ 10 से 20 मिली की मात्रा में सेवन करने से व्रण भर जाता है और बहुत फायदा होता है। दोस्तों, यह चर्म रोगों में भी बहुत ही लाभकारी होता है। पटुआ के पत्तों को पीसकर प्रभावित स्थानों पर लगाने से या इसके कल्क का सेवन करने से त्वचा के रोगों का शमन होता है। दोस्तों, यह कुष्ठ रोग में भी बहुत ही लाभकारी है। पटुआ के साथ निर्गुंडी और चित्रक को समान मात्रा में मिलाकर तेल सिद्ध कर ले। इस तेल को रोजाना कुष्ठ रोग पर लगाने से कुष्ठ रोग मिट जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।